तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए देखें कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, अवर्गीकृत से वर्गीकृत, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और प्रत्यक्ष विधि। तो पहले तो हम सांख्यिकी को एक ऊपरी ओर से देखेंगे। जैसा आप देख सकते हो, आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। हम इनसे माध्य, माध्यक और बहुलक निकालते हैं। तो देखते हैं हमें इनमें से क्या क्या पता है। हमें अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना पता है, हमें उनका माध्यक निकालना भी पता है, और यही नहीं, हमें उनका बहुलक निकालना भी पता है। परंतु हमें वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक यह निकालना नहीं पता। तो हम इस विषय में यही सब पढ़ेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे कि हमने 9वीं कक्षा में अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकाला था। हमने बोला था अगर कोई इक्वेशन x1 है जिसकी बारंबारता f1 है, x2 जिसकी बारंबारता f2 है, और ऐसे ही xn जिसकी बारंबारता fn है, तो उसका माध्य हम लिखते हैं x बार। इसे हम x बार बोलते हैं। वो होता है x1 और f1 का गुणन, f2 और x2 का गुणन। ऐसे हम सारे xi fi का गुणन निकालते हैं और इन्हें जोड़ देते हैं और इसे डिवाइड करते हैं बारंबारताओं के जोड़ से। इसे हम सिग्मा की मदद से भी लिख सकते हैं। याद रखना, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n। यहां पर कुछ भी चीज लिखी होगी उसमें हम i के मूल डालते हैं, जिससे पहले हम 1 डालेंगे, फिर 2, ऐसे करते करते n डालेंगे और उन सबको जोड़ देंगे। तो हम इस माध्य को सिग्मा की मदद से भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हमें xi और fi एक सारणी के रूप में दिए गए हैं और हमें माध्य निकालने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों, जब भी हमें कोई ऐसा प्रश्न दिखे, हमारा पहला सवाल खुद से होना चाहिए कि क्या यह आंकड़े वर्गीकृत हैं या अवर्गीकृत। यहाँ हमें जो आंकड़े दिए हैं वो अवर्गीकृत हैं। तो अब आप इस वीडियो को ठहराए यानी पॉज करें और माध्य निकालें। तो सबसे पहले तो हम इस सारणी को बढ़ाएंगे और इसमें fi xi का गुणन लेंगे, जैसे कि 10 और 1 का गुणन 10, 20 और 1 का गुणन 20। ऐसे ही हर xi और fi का गुणन लेंगे और उसका योग निकालेंगे। ऐसे ही हम बारंबारताओं का भी योग निकालेंगे। फिर हम फॉर्मूला याद करते हैं कि x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। इससे हम देखते हैं कि x बार 59.3 आता है। अब तो आप लोगों को अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना आता है। तो आप सोच रहे होंगे कि वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में क्यों पढ़ना, हम क्यों किसी आंकड़े को पहले वर्गीकृत करें और उसके बाद उसका माध्य निकालने के लिए कोई और विधि का इस्तेमाल करें। सीधे सीधे अवर्गीकृत का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि असल जिंदगी में आंकड़े बहुत बड़े होते हैं। उदाहरण के लिए आप भारत की जनगणना ले लो। अब ऐसे आंकड़ों का अर्थपूर्ण अध्ययन करना है तो उसे पहले वर्गीकृत करना ही पड़ेगा। तो अब हमें वर्गीकृत आंकड़ों की अहमियत समझ आ गई है। तो चलिए उनके लिए माध्य निकालने की विधियों को देखते हैं। इनके माध्य निकालने के लिए 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो दोस्तों, इन विधियों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, और यह आप अच्छे से समझना और याद रखना, क्योंकि इन्हीं पर हमारी विधियां निर्भर हैं। इन सभी विधियों में यह मान लिया जाता है कि प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता उसके मध्य बिंदु के चारों ओर केंद्रित होती है। इसका मतलब है कि प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु, जिसे हम वर्ग चिन्ह बोलेंगे, को उस वर्ग के सभी प्रश्नों का प्रतिनिधि माना जा सकता है। यह वर्ग चिन्ह ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा
का औसत होता है। मतलब अगर आपको ऊपरी वर्ग सीमा दी हुई है और निचली वर्ग सीमा दी हुई है तो आप वर्ग चिन्ह निकाल सकते हो। तो हमारी पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में हम वर्ग बनाते हैं और उन सभी वर्गों के लिए वर्ग चिन्ह निकालते हैं। अब यह वर्ग चिन्ह हमारे एक्सरसाइज का काम करेंगे। अब हम हर वर्ग अंतराल के लिए उसकी बारंबारता fi निकालेंगे। याद रखना कि अगर कोई xi किसी वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर हो तो हम उसे अगले वर्ग में डालेंगे। अब हम इन पे पहला वाला यानी कि अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य का फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए यहाँ एक उदाहरण लेते हैं। पहले उदाहरण के आंकड़ों से हमने एक सारणी बनाई है। यह सारणी 10 से शुरू होती है और 100 पर खत्म होती है। वर्ग अंतराल 15 का है। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करो। तो आप वीडियो को यहीं ठहराएं और प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालें। तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि हर वर्ग के लिए वर्ग चिन्ह निकालें। जैसे कि पहला वर्ग 10 से 25 है तो इसका वर्ग चिन्ह 10 और 25 का औसत होगा जो कि है 17.5। ऐसे ही हम सभी वर्गों का वर्ग चिन्ह निकालेंगे। हमें कुछ ऐसी सारणी मिलेगी। चलिए अब पूरी सारणी बनाते हैं। पहला वर्ग अंतराल 10 से 25 का है। इसमें केवल दो ही प्रेक्षण थे, 10 और 20। इसीलिए इसकी बारंबारता 2 है। हमने पिछली स्लाइड में इसका वर्ग चिन्ह निकाला था जो कि हमें 17.5 आया था। तो इसीलिए fi xi का गुणन इस वर्ग के लिए होएगा 17.5 × 2 जो कि होएगा 35। ऐसे ही हम सभी वर्गों के लिए fi xi निकालेंगे और उसका योग लेंगे। हम बारंबारताओं का भी योग लेंगे और फिर पहले वाला फॉर्मूला ही लगा देंगे। हमारा उत्तर 62 आता है। पिछले उदाहरण से मन में एक जाहिर सा प्रश्न उठता है कि पहले और दूसरे उदाहरण में समान आंकड़े थे फिर भी अलग अलग माध्य कैसे आए। इसका उत्तर आप सभी को पता है। हिंट है मध्य बिंदु कल्पना। याद कीजिए हमने कहा था कि इन सभी विधियों में यह मान लिया जाता है कि प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता उसके मध्य बिंदु के चारों ओर केंद्रित होती है। इसी मध्य बिंदु कल्पना की वजह से हमारे माध्यों में अंतर आ रहा है। जो माध्य हमने पहले उदाहरण में निकाला था वह सही माध्य था और जो दूसरे उदाहरण में निकाला है वह एक सन्निकट माध्य है। आपका गृह कार्य है दूसरे उदाहरण को दोहराइए मगर इस बार वर्ग अंतराल को 10 रखिए और देखिए कि कौन सा माध्य सही माध्य के ज्यादा पास है, 10 वर्ग अंतराल वाला या 15 वर्ग अंतराल वाला। वर्ग अंतराल बदलने से सन्निकट माध्य और सही माध्य की दूरी पर क्या असर पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना, अवर्गीकृत से वर्गीकृत जाने की आवश्यकता क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना, प्रत्यक्ष विधि। धन्यवाद।